वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज विनय चौधरी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई फिटनेस सीरीज फॉर ऑल द वर्किंग प्रोफेशनल्स आउट देयर। जी हाँ, अगर आप कोई भी जॉब करते हैं या आप किसी बिजनेस में हैं जिसके कारण आपका मोस्ट ऑफ द टाइम बैठे हुए निकलता है और आपको ये प्रॉब्लम रहती है कि आपके पास इनफ टाइम नहीं है टू डिवोट ऑन योर हेल्थ, तो घबराइए मत। इस सीरीज में हम उन छोटी छोटी टिप्स के बारे में बात करेंगे जिसको अगर आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें तो आप बहुत आसानी से एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। सो वेलकम बैक गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला वीडियो विच इज द मॉर्निंग टिप्स फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। आप चाहे सुबह जिस भी टाइम उठते हैं, अगर आपके पास सफिशियंट टाइम होता है बिफोर गोइंग टू वर्क, अगर आपके पास एटलीस्ट एक घंटा है, तो आपको कोई भी चेंजेस अपनी उठने की हैबिट में नहीं करने हैं। सिर्फ इन सिंपल टिप्स को फॉलो कीजिए जो मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं। और अगर आप ऐसे टाइम पर उठते हैं जिसमें कि आपको काफी तेजी से भागम भाग करनी पड़ती है, आप अपनी जॉब पे काफी भागते हुए पहुंचते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आधा घंटा या एक घंटा अपने नॉर्मल टाइम से पहले उठना स्टार्ट कीजिए। सुबह उठिए और सुबह उठते ही सबसे पहले एक गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें अगर हो सके तो आधा नींबू निचोड़िए पी जाइए, फ्रेशन अप होइए। और एक योगा मैट आपको चाहिए, योगा मैट लीजिए और किसी भी खुली जगह पर, चाहे आपका टेरेस है तो टेरेस में, अगर आपका गार्डन है तो गार्डन में जाके बैठिए। और अब जो मैं आपको मॉर्निंग रूटीन बताने जा रहा हूं ये फॉलो कीजिए एंड ट्रस्ट मी गाइस, ओनली विद इन 15 डेज यू विल सी द रिजल्ट योरसेल्फ। तो गाइस, अगर आप भी वर्किंग प्रोफेशनल है, इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि इसके अंदर मैं आपको 30 मिनट्स या 45 मिनट्स के अंदर कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स या कलीग्स ऐसे हैं जिनको साथ आप ये शेयर कर सकते हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू के प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन, सो दैट वो भी इस वीडियो को यूज करें और अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सके। एंड वन मोर थिंग गाइस, दिस वीडियो इज नॉट जस्ट फॉर वॉचिंग बट टू फॉलो अलोंग, मतलब आपको साथ साथ जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करना है। इससे आपको काफी ईज होगी, 2-3 दिन अगर आप इसको जब भी आप अपनी एक्सरसाइज करें या मॉर्निंग रूटीन ये फॉलो करें, इसको सामने चला के रख लें, 2-3 दिन 4 दिन के बाद आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी एंड यू कैन डू द मॉर्निंग रूटीन ऑन योर ओन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना योगा एंड स्ट्रेचिंग सेशन विद अ लाइट वार्म अप। ईस्ट की तरफ फेस करके अपने योगा मैट पर खड़े हो जाइए विद फीट शोल्डर विड्थ अपार्ट। अब हम अपने पैरों से स्टार्ट करते हुए ऊपर की तरफ अपने सभी जॉइंट्स को लुब्रिकेट करेंगे। अपने टोज को 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, पहले राइट लेग देन लेफ्ट लेग। अब नीज को लुब्रिकेट करने के लिए दोनों घुटनों को बेंड करें और 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज उनको रोटेट करें। ये छोटे छोटे मूवमेंट्स हमारे जॉइंट्स में मौजूद एक्सेस एयर को बाहर निकालकर उनकी मोबिलिटी इम्प्रूव करते हैं। इसी तरह अब अपनी वेस्ट की तरफ चलते हैं, दोनों हाथ अपनी वेस्ट पर रखकर पहले 5 बार क्लॉकवाइज और फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। जब ये करेंगे तो मेक श्योर हमको अपनी वेस्ट से एक बड़ा सर्कल बनाना है विदाउट मूविंग आर फीट। ये करने से अगर आपकी बैक में कोई पेन भी होगा तो आपको उससे भी रिलीफ मिलेगा। इसके बाद अब चलते हैं अपने नेक्स्ट जॉइंट पर जो कि है शोल्डर जॉइंट। तो अपने शोल्डर्स को 5 टाइम्स आगे की तरफ और 5 टाइम्स पीछे की तरफ रोटेट करेंगे विदाउट मूविंग आर आर्म्स। ध्यान रहे जल्दी जल्दी नहीं करना है कोई भी मूवमेंट। इसी तरह रिस्ट को 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। ऐसा करने से आपकी फोर आर्म्स की मसल भी ट्रेन होगी और आपकी ग्रिप भी मजबूत होगी। अगर इस मूवमेंट को अपनी आर्म्स को सामने फैला कर करेंगे तो इससे आपका सर्वाइकल पेन भी काफ़ी हद तक क्योर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक पर। नेक को सबसे पहले लेफ्ट की तरफ बेंड कीजिए, ट्राई टू ब्रिंग योर चिन इन लाइन विद योर लेफ्ट शोल्डर। 2 सेकेंड वेट करेंगे यहाँ पर, फिर धीरे से नेक को मूव करके राइट की तरफ देखेंगे एंड विल ट्राई टू ब्रिंग आर चिन इन लाइन विद आर
राइट शोल्डर, इसी तरह तीन बार लेफ्ट और तीन बार राइट मूव करेंगे। अब सिमिलरली विदाउट मूविंग आवर बॉडी ट्राई टू लुक अप एज फार एज यू कैन, मूव योर हेड अप, होल्ड करेंगे 2 सेकेंड यहां पर, फिर धीरे धीरे नीचे देखेंगे, चिन को चेस्ट पर टच करेंगे, होल्ड करेंगे 2 सेकेंड एंड विल अगेन स्लोली मूव आवर हेड अप। इसके भी 3-3 सेट आपको करने हैं। इसी तरह आप नेक की साइड मसल को ट्रेन करने के लिए हेड को साइड में झुकाना है, सच दैट यू आर ट्राइंग टू टच योर शोल्डर विद योर ईयर, पहले लेफ्ट साइड, जहां तक जा सके नेक जाने दो एंड होल्ड इट देयर फॉर 2 सेकेंड्स। अब राइट साइड में बेंड करें नेक को, इसमें जिस भी तरफ बेंड करेंगे उसके ऑपोजिट साइड आपको एक स्ट्रेच फील होगा, होल्ड दैट स्ट्रेच फॉर 2 सेकेंड ईच साइड, इसको भी 3 बार करना है ईच साइड। नेक को अब 3 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। ये करते समय फील करें कि आपकी नेक मसल से टेंशन खत्म हो रही है। यकीन मानिए हम सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए इट्स वेरी रिलैक्सिंग। इसी तरह अपनी आईज को भी एक्सरसाइज करेंगे बाय लुकिंग एट लेफ्ट राइट अप एंड डाउन 3 टाइम्स ईच। आईज को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स रोटेट करना है और इसके साथ ही हमारे सभी जॉइंट्स एंड इम्पॉर्टेंट मसल्स वार्म अप और लुब्रिकेट हो गए हैं। इसके बाद अपनी मैट पर बैठ जाएंगे इन अ पोस्चर कंफर्टेबल टू यू। जमीन पर नहीं बैठ पा रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो सिट ऑन अ कुशन और पिलो एज वेल। हाथों को अपने नीज पर रखें एंड ब्रीथ थ्रू योर नोज। हाथों को स्ट्रेट करें, चेस्ट आउट, चिन अप और एक गहरा लंबा सांस अंदर भरें। होल्ड इट फॉर 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड होल्ड करने के बाद एक्सहेल थ्रू योर नोज ओनली और जैसे जैसे एक्सहेल करें अपनी बैक को बेंड करें, चिन को टक इन करें, चेस्ट पर लगाएं एंड होल्ड दिस पोजीशन फॉर 2 सेकेंड्स। वापस से सांस अंदर भरेंगे नोज के थ्रू, वापस से चेस्ट आउट, चिन अप एंड होल्ड दिस पोस्चर फॉर 2 सेकेंड्स। अगेन एक्सहेल थ्रू नोज एंड एज यू एक्सहेल रोल योर बैक फॉरवर्ड एंड टच योर चिन विद योर चेस्ट। 3 टाइम्स करने के बाद न्यूट्रल सिटिंग पोज में आएंगे और अपनी आर्म्स को साइड में प्लेस करेंगे ताकि ये ग्राउंड को टच करें। अब अपनी लेफ्ट आर्म को स्ट्रेट लिफ्ट करेंगे अपवर्ड्स सच दैट कि आपकी राइट आर्म ग्राउंड को टच करती रहे और लेफ्ट आर्म को वहां तक ले जाना है जहां तक आप कंफर्टेबल हों। एक गहरा लंबा सांस भरें एंड होल्ड इट फॉर 2 सेकेंड्स। फिर सांस बाहर छोड़ते हुए साइड चेंज करेंगे। नाउ लेफ्ट हैंड विल टच द ग्राउंड एंड राइट हैंड ऊपर आएगा। अगेन होल्ड दिस पोस्चर फॉर 2 सेकेंड्स। सिमिलरली डू 3 सेट्स ईच साइड फॉर दिस पोस्चर। जब भी आप अपनी कोई आर्म ऊपर ले जाएंगे तो सेम साइड आपकी साइड्स में स्ट्रेच फील होना चाहिए। दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू लूज टेंशन फ्रॉम योर साइड मसल। इसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। इसके लिए नॉर्मल पोस्चर में हम बैठे होंगे और एक जेंटल ट्विस्ट करके अपने लेफ्ट हैंड से राइट नी को होल्ड करेंगे
एंड वी विल टेक आवर राइट हैंड बिहाइंड अस. कीप योर बैक स्ट्रेट. चिन को भी राइट साइड में जेंटली ट्विस्ट करें. आंखों को जहां तक हो सके राइट साइड में ले जाएं, मानो आप पीछे मुड़कर किसी को देखने की कोशिश कर रहे हैं. 5 seconds होल्ड करना है ये पोज एंड देन कम बैक. नाउ रिपीट इट फॉर द लेफ्ट साइड. राइट साइड से राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ें, लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाएं, जमीन पर रखें एंड जेंटली ट्विस्ट योर बॉडी टू द लेफ्ट साइड. ट्विस्ट योर शोल्डर एंड नेक एंड ऑल्सो योर गेज, जैसे कि आप पीछे मुड़कर किसी को देखने की कोशिश कर रहे हैं. होल्ड दिस पॉस्चर अगेन फॉर 5 सेकेंड एंड कम बैक टू योर नॉर्मल पॉस्चर. इसके भी 3 sets राइट साइड में और 3 sets लेफ्ट साइड में हमको करने हैं. इतना करने के बाद अब लेट जाना है मैट पर. रिलैक्स फॉर 2 minutes. बॉडी को लूज छोड़ दें. अब अपनी आर्म्स को साइड में रखना है. फर्स्ट आसन जो हम करने जा रहे हैं, इट्स नेम इज पवन मुक्तासन. दोनों लेग्स को स्ट्रेट करके एक साथ मिलाएं. नाउ बेंड योर लेफ्ट नी और इसको अपनी चेस्ट के पास लाएं. अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें. लेफ्ट नी को होल्ड करें एंड प्रेस योर थाई ऑन योर एब्डोमेन. गहरा लंबा सांस लें एंड ब्रिंग योर हेड टुवर्ड्स योर नी. पहले नी पर अपनी नोज टच करें एंड देन टच योर चिन ऑन योर नी. होल्ड करेंगे इस पोज को 2 सेकंड तक और वापस आएंगे. नाउ स्विच योर लेग. सिमिलरली राइट लेग से करेंगे. 3-3 sets दोनों लेग से करेंगे इस आसन को. इसके बाद चलते हैं अपने सेकंड आसन पर, जो कि है सेतु बंद आसन, या इसको ब्रिज पोज भी कहते हैं. इसके लिए पीठ के बल सीधे लेटकर अपने घुटनों को बेंड करें. नीज को हिप विड्थ अपार्ट रखें. डोंट लेट देम गो आउट. अब एक गहरा लंबा सांस भरकर रेज योर हिप्स. जितना ऊपर तक आप अपने हिप्स को उठा सकें विदाउट लिफ्टिंग योर हील्स, उतना ऊपर उसको उठाएं. इतना ऊपर लेकर आए हिप्स को कि आपकी चिन आपकी चेस्ट को टच करे. अगर ये करते हुए आपकी लोअर बैक में कुछ पेन या टेंशन फील हो तो हिप्स को थोड़ा डाउन कर लें. ट्राई टू होल्ड दिस पॉस्चर फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन. जब थक जाएं तो वापस नीचे आ जाएं और 30 सेकेंड रेस्ट के बाद वापस हिप्स को रेज करें एंड मेंटेन द ब्रिज पोज. 3 sets करने हैं इस आसन के भी एंड दिस सेकेंड आसन इज डन. दिस कम्प्लीट्स द सेट ऑफ पॉस्चर्स कम्प्लीटली डिजाइन फॉर मॉडर्न लाइफ स्टाइल. इसके बाद अब हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम करके अपना मॉर्निंग रूटीन एंड करेंगे. स्टार्ट करेंगे फर्स्ट प्राणायाम से, जो कि है भस्त्रिका प्राणायाम. इसमें लंबा गहरा सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं. करीब 2.5 सेकंड में सांस को लेना और 2.5 सेकंड में सांस को छोड़ना है हमें. तो 5 सेकंड सांस लेने और छोड़ने में टोटल लगेंगे. ये प्राणायाम आपको 5 मिनट तक करना है. इससे आपकी पूरी बॉडी एनर्जाइज हो जाएगी, क्योंकि इससे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है. इसके बाद चलते हैं अपने दूसरे प्राणायाम की तरफ, जो कि है कपाल भाती प्राणायाम. इसमें आपको अपना मुंह बंद रखकर अपनी नाक से सांस को झटके के साथ बाहर छोड़ना होता है. 1 सेकंड में 1 बार सांस बाहर छोड़ें. सांस अंदर लेने पर ध्यान ना दें, वो अपने आप अंदर आता रहेगा. जब आप एक तेज स्ट्रोक के साथ सांस को नाक से बाहर छोड़ेंगे तो आपका पेट अपने आप अंदर की तरफ जाएगा. इसको ज़्यादा फोर्सफुली नहीं करना है. इसको भी हम 5 मिनट तक करेंगे. इस प्राणायाम को करने के अनगिनत लाभ हैं और ये आपको कई बीमारियों से छुटकारा दिलाएगा और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा. चलिए इसके बाद चलते हैं अपने थर्ड और लास्ट प्राणायाम पर, जो कि अनुलोम विलोम. इसमें राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस लेते हैं और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ देते हैं. फिर बिना रुके राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस अंदर लेते हैं और अब राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ देते हैं.
इसी तरह आपको 5 मिनट तक ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है एंड दैट्स इट। गाइस सिर्फ 30 से 40 मिनट रोज इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो कीजिए एंड मैं गारंटी लेता हूं कि यू विल फाइंड योरसेल्फ मोर फ्लेक्सिबल मोर स्ट्रांग एंड धीरे धीरे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ 15 दिन इस रूटीन को फॉलो कीजिए एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड। तो गाइस ये था हमारा पहला वीडियो विच वॉज द मॉर्निंग रूटीन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए एंड इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने कलीग्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट वो भी इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करें और अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सके। इसके अलावा गाइस यू हैव सम क्वेरी रिलेटेड टू योर हेल्थ और फिटनेस, आपके कोई भी सवाल है चाहे वो डाइटिंग को लेकर है, एक्सरसाइज को लेकर है, टाइम नहीं मिलता, मोटिवेशन को लेकर है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड गुड बाय। सुनो चैनल को सब्सक्राइब करो उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।